नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या देखें, ऐसा क्या देखें कैसे जिससे आपको पता पड़ जाए एक प्राइस, इस स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उसके लिए मेन इंडिकेटर्स, तीन इंडिकेटर्स हैं जो मेन हैं, वो तीन इंडिकेटर्स के थ्रू आप पता पड़ जाएगा आपका प्राइस, ये जो स्टॉक है आप चूज कर रहे हैं ये प्राइस आपका ऊपर जाएगा, इससे कि आपको इजी रहेगा चूज करने के लिए। ठीक है, तो वही स्टॉक आप चूज करें जो आपके ऊपर जाएगा, और वरना आपका अगर नीचे जाएगा तो उस स्टॉक से बच जाएंगे, या फिर आप अगर नीचे जा रहा है तो आपने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है तो उससे आप बच जाएंगे। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो तीन इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा जो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। देखो, ट्रेडिंग तीन टाइप की होती है, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेड होता है। इंट्राडे ट्रेड वो होता है जो आज ही ख़रीदा और आज ही बेच दिया, उसको इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है आज अगर आपने बाय किया और आपकी चार दिन बाद, पाँच दिन बाद, हफ्ते में, दो हफ्ते में, या महीने या डेढ़ महीने बेच दिया, जैसे ही प्रॉफिट हुआ आपने बेच दिया, उसको बोलते हैं, अपन को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता दूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तीन इंडिकेटर्स मैं बता दूंगा, आप वो इंडिकेटर्स देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, आप उसके थ्रू आपको पता पड़ जाएगा स्टॉक आगे जाएगा, मूव करेगा, आप उसमें बाय करेंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा जितना परसेंट लेना चाहते, 10% 12% ईजली। मैं समझता हूँ 10% बेनिफिट अगर मिल रहा है आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप इजीली निकल जाए, एग्जिट कर जाए, बहुत है। ठीक है, महीने में अगर आपको 10% मिलता तो बहुत है। इसलिए मैं बताऊँ कैसे वो इंडिकेटर्स लगाते हैं, यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी करंट में जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नीचे, आप उस पर क्लिक करें और जीरोधा का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स में बता दूं, वो इंडिकेटर्स है, सबसे पहले इंडिकेटर्स है वो है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर से MACD, तीसरा RSI, ये बहुत, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता लग सकते हैं कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे आप स्विंग ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको कैंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कोई भी कैंडल, जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, या वाइट और ब्लैक कैंडल है, वो कैंडल मतलब का ट्रेंड पता होना चाहिए। वो ट्रेंड कैसे पता करें, उसके ट्रेंड के लिए नीचे लाइन डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर आप पहले वो वीडियो देखिए, उससे आप कैंडल के बारे में पता लगा सकते हैं। अब मैं बताऊँ पिवट पॉइंट क्या होता है। पिवट पॉइंट एक्चुअली, पिवट पॉइंट इज अ प्राइस लेवल दैट इज यूज बाई ट्रेडर्स एज ए पॉसिबल इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट मूवमेंट। मतलब पिवट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट मार्केट की मूवमेंट बताता है। जैसे ये पिवट पॉइंट है, ठीक है, पिवट मतलब पिवट की लाइन है, पिवट पॉइंट है। अगर कोई भी शेयर है, स्टॉक है, नीचे की तरफ था, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे पिवट पॉइंट को क्रॉस कर दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, तो मान लो जो स्टॉक है वो बुलिश है। वहीं अगर ये पिवट पॉइंट, पिवट लाइन है, पिवट पॉइंट है, अगर वही स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पिवट पॉइंट को क्रॉस कर दिया है, सपोर्ट की तरफ जा रहा है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये स्टॉक बेयरिश है, वो नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक। यहाँ से हमें पता लग जाता है क्लियरली स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका फॉर्मूला है, पिवट पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका है हाई प्राइस प्लस लो प्राइस प्लस का क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय 3, इसका फॉर्मूला है। बट हमें फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ब्रोकरेज साइट पर जाएंगे, आप इसके चार्ट में डायरेक्टली जीरोधा में आपको दिया होगा पिवट पॉइंट का ऑप्शन। इंडिकेटर्स में आप पिवट पॉइंट डालेंगे, आपको पिवट पॉइंट की जो इंडिकेटर्स हैं, पिवट पॉइंट आपको डालने से वो इंडिकेटर्स आपके चार्ट में दिख जाएगा, इससे आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा पिवट पॉइंट की लाइन कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सा, सपोर्ट कौन सा है, राइट। पहले हम स्टॉक के बारे में बताऊँ, किसी भी स्टॉक को क्लिक किया, व्यू चार्ट में जाएंगे तो वहाँ से हम क्लियरली
भी स्टॉक के चार्ट को ओपन कर ले। यहाँ पे जो कैंडल लगानी है वन डे की कैंडल लगानी है, वन डे की कैंडल कैंडल तो आप किसी की भी लगा सकते हो, वन डे की भी है, वीक की भी है, वन मंथ की भी है, बट बेसिकली आप वन डे की कैंडल लगा सकते हो, इससे भी सारा चीज क्लियर आ जाएगी। वन डे की कैंडल से आप इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर दिन का इसमें डेटा दिखेगा आपको। वन डे की कैंडल लगानी है, यहाँ पर एफएक्स में आपको जाना, एक मिनट, इसके बाद आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। जीरोधा का चार्ट है, ठीक है, बेसिकली। तो एफएक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पिवट पॉइंट, ठीक है। इंडिकेटर से पहले इंडिकेटर पिवट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर डन किया, यहाँ पर आपको लाइन आ गई पिवट पॉइंट की, ठीक है। ठीक है, ये जो सेंटर की जो लाइन है ब्लैक लाइन, इसको ये पिवट पॉइंट की लाइन है, ठीक है। ये पिवट पॉइंट सेंटर की लाइन है। अगर इससे स्टॉप इससे ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश ट्रेंड आ जाता है, स्टॉक बुलिश। अगर इसके पिवट पॉइंट से नीचे की तरफ जाता है स्टॉक, तो समझ लो ये बेयरिश है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक। अगर ठीक है, पिवट पॉइंट आप सेंटर की लाइन है, जो ये जो लाइन है ये आर वन की लाइन है, ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री, इनके रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री है, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका ये वाली लाइन, ये सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री है। हर एक मंथ की आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। ये जो ये वाला जो सेपरेट पोर्शन है ये आपका अगस्त मंथ का दिखा रहा है, तो हर एक मंथ का अलग अलग दिखेगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दूसरा मैं इंडिकेटर से बात करूँ, दूसरा एफएक्स में आप डालेंगे टाइप करेंगे, वो है एमएसीडी। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, एमएसीडी पर क्लिक किया, एमएसीडी का डन किया, ठीक है। तीसरे जो इंडिकेटर से बात कर रहा हूँ वो डालेंगे एफएक्स में आपका आरएसआई, आरएसआई, ठीक है। इस पर डन करेंगे तो आरएसआई आ गया। एमएसीडी की लाइन में हम एमएसीडी में क्या देखते हैं, एमएसीडी हम देखते हैं जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है ब्लैक लाइन, तो समझ लो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होता है। जैसे कि ये जो लाइन है यहाँ पर ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ है, रेड लाइन नीचे की तरफ है, देखिए कितना बुलिश है, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। वही अगर ब्लैक लाइन नीचे की तरफ जाती है, रेड लाइन ऊपर की तरफ जाती है, समझ लो सिग्नल, ये सिग्नल बताता है बेयरिश है ट्रेंड। जैसे कि ये देखिए ये रेड लाइन, इसमें रेड लाइन नीचे की तरफ, रेड लाइन ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये देखिए यहाँ से ये ट्रेंड है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए कहाँ से, यहाँ से क्रॉस ओवर हो गया, ये ट्रेंड यहाँ से रेड लाइन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब साफ साफ जाहिर है ट्रेंड बेयरिश है, और यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करने लगा है। आरएसआई में क्या देखते हैं, आरएसआई में होता है जब आरएसआई ऊपर की तरफ होता है तो समझ लो कि वो ट्रेंड बुलिश है, और आरएसआई अगर नीचे की तरफ होता है इसका मतलब ट्रेंड बेयरिश है। ये तीन इंडिकेटर से आप साफ साफ जाहिर है पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को स्ट्रेट ये ट्रेंड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे कि मैं IDY का एग्जाम्पल ले लूँ, IDY का देखा, वन डे की कैंडल लगाया, IDY का चार्ट खोला आपने, ओपन किया, ठीक है, वन डे की कैंडल लगाया, तो यहाँ से देखिए आप जो ब्लैक लाइन है यहाँ से ए वाई लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर ब्लैक लाइन ने क्रॉस कर दी ऊपर की तरफ, कब, 25 तारीख को, 25/6 यानी कि 25 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ब्लैक लाइन ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, देखिए कितना बुलिश गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो क्रॉस ओवर है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस कैंडल पर क्रॉस ओवर है, ये नीचे की तरफ गया, कब गया, 10 जुलाई को, ठीक है, रेड लाइन ऊपर की तरफ आ गई, इसका मतलब देखिए कितना बेयरिश ट्रेंड है। यहाँ से हम साफ साफ जाहिर पता लगा सकते हैं ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, और देखिए यहाँ पर RSI भी यहाँ से नीचे की तरफ है, राइट। तो यहाँ से क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से आप इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।